फोटो सेल्फी चल रही है। अंशु इसका नाम समर। समर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। ओहो बेस्ट फ्रेंड, देखो लो आपका अमरूद। खाले जान को नहीं दे रही अमरूद। लो खाले जान आपका अमरूद। थैंक यू। लो आपका बहुत सारा अमरूद हो गया। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे देखो कपड़े पूरे सूख गए थे, इतनी धूप आ रही है ना, तो मम्मी ने सुबह ही धोए थे 6-7 बजे, सारे देखो कितनी जल्दी सूख भी गए। आ जाओ मेरे से बनवा के चाय, अब तुम सर्व कर देना। प्योर गांव जो होता है ठेठ गांव उस टाइप का बना हुआ है ये सामने को। ये अंदर पूरा, ये पहले रूम था यहाँ पर, लेकिन अभी इन्होंने स्टोर रूम बना दिया, यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी। तो फ्रेंड सुबह का नाश्ता हमारा आ गया है और सब बैठ के कर रहे हैं साथ में नाश्ता। तो फ्रेंड नाश्ता पानी कर लिया और यहाँ पे देखो कपड़े पूरे सूख गए थे, इतनी धूप आ रही है ना, तो मम्मी ने सुबह ही धोए थे 6-7 बजे, सारे देखो कितनी जल्दी सूख भी गया। देखो मैं भी आ गया ऊपर, बारिश भी आ गया। देखो मैं गाय के ऊपर, आपकी गाय के ऊपर देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कपड़े देख रहा हूँ आपकी गाय के ऊपर। तो यहाँ पे निकाल रही है अम्मी हमारे लिए कपड़े, वही डेली रूटीन जो होता है नाश्ता करने के बाद कपड़े वगैरह निकालती है अम्मी। और यहाँ पर आपने लिए सारे कपड़े उतार कर जो सूख गए हैं, सुबह सुबह मशीन लगा दी। कितने बजे लगाई थी अम्मी मशीन? मशीन तो 6 बजे लगा दी थी घुमाने, 6 बजे ही, और सूखती अली सूख भी गए। धूप आ रही थी, थोड़ी हवा चलने लगी, मौसम अच्छा हो गया। 6 बजे मशीन लगा गई, धूप में जल्दी सूख जाते हैं ना कपड़े, सारे कीचड़ के बारिश के कपड़े थे गीले हो पड़े थे। यही मशीन लगा के यही सूख गई, धूप भी तेज आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, थोड़ी हल्की हो रही है धूप, दोबारा से बारिश वाला मौसम होने वाला है मुझे लग रहा है, फिर गील हो जाओगे। यहाँ बारिश तो फिर को आती जरूर है, सुबह ऐसा रहेगा कि इतनी तेज धूप और शाम को ही मौसम बदल जाता है। शाम को नहीं दोपहर, दोपहर के बाद। आरिफ कहाँ अमरूद? अमरूद नहीं लाया? हाँ मेरा सूख भी दे भाई। लो आपका अमरूद। खाले जान को नहीं दे रही अमरूद। लो खाले जान आपका अमरूद। थैंक यू। आपका बहुत सारा अमरूद हो गया। ठीक है तो अभी खाला लाइए पेड़ पे तोड़ के ताजे ताजे अमरूद। और आरिज बोले किसके लिए लाए? खाले जाने के लिए अपनी, है ना? अब ये कीड़े का मत खाना। ठीक है कीड़े का नहीं खाऊंगी मैं, ये वाली खाना मना कर रही हूँ। खाला के खाले जान को मत दे अमरूद, मना कर रही हूँ। केरी खाले जान को नहीं दूंगी मैं, ये सब आपके लिए है। लो थैंक यू। तो मना कर रही है वो खाले जान खाले जान को तो अमरूद कह रहा, खाले जान को सारे दे दो। थैंक यू। ये भी खा लेना। ठीक है तो फ्रेंड खाना बन गया है, खाने में बनी है आज भिंडी, तो चलिए बाहर चल के लगाते हैं खाना। आओ फिर चलो ओट पोट उठा लो। गोश्त खा खा के पक गए ना मेरे। वो भी कमी खराब रखा है ना, सब्जी बनवाई है, दाल चावल बनवाए थे, वो चिकन बना रहे थे, सब्जी सही रहती है, चिकन कितना है। चलो तो वो ले लेगा बोलते हैं। चलो यार घर का चार है ना बना हुआ टेस्टी। ये मुरब्बा है, ये आम का, ये भी मेरा, सारे घर के बने हुए। ये भी मुरब्बा है, ये दो दो कलर का कैसे है? तो फ्रेंड खाना शाना हमने खा लिया है और दस्तखान भी हटा के रख दिया है, तो मैं आप इनको बोली आप इन बर्तन धो ले, ठीक है धोगी? आप इनके लिए मेरा मेकअप हो गया, मैं नहीं धोगी मेकअप के बाद किचन हाथ नहीं लगाती, तो दस्तखान वगैरह हमने हटा लिया है। अब चलते हैं जाने की तैयारी करते हैं, कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं देखते हैं। लेट्स सी। मामा बोले चाय बना के लाओ, तो हमने बोला चलो आप फिर हम दो नहीं बना लेते चाय, दोबारा फिर दूध खत्म हो गया। कितनी चाय पी रही है, रात को भी हमने चाय पी थी ना, दोबारा दूध खत्म हो गया। चाय का पानी रख दे, फिर दूध लेकर आ। चीनी पत्ती दूध
देख सकते हैं आप आफरीन के चेहरे पे कितने पसीना आ रहा है। गर्मी इतनी हो रही है ना, पसीना आ रहा है हर जगह। नहीं सारा दूध गल गया ना, गिरा रही है दूध सारा साफ। आधा तुमने पी लिया, पी लिया चाय पूरा दूध में हो रहा है तुम्हारा नीचे देखो। आज आपने पोछा लगा चुप 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 के लगा रही पोछे ताकि पता ना चले क्यों मैं चोरी कर रही हूँ। लगते थी ना आपके से तहरी निकाल लेती ना, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो पिछले वाले ब्लॉग में देखना कि आप इनके साथ तहरी निकाल लेती। हम खा कर आए थे फिर भी इसको इतनी तेज भूख लगी तहरी देख कर ना, ये टूट पड़ी तहरी पर, तभी चाय वगैरह बन गई। चाय मैं थोड़ी सी खाई थी। ज्यादा गिर रही है कुछ दो लाओ चाय दो। कैसे कर रही है ये डिश ही है, डिश है क्या डिश? देखो फ्रेंड्स को डिश बोलते हैं, आज से इसको डिश बोलेंगे हम, ठीक है? डिश में चाय कर रही है आप भी साफ है ना, मत गिरा देना। ओ चाय पत्ती भी जा रही है पीछे से, ऐसे होती है चाय। तुम्हारे मोटे मोटे हाथ तुम कहाँ, मैं कहाँ, लो आ जाओ मेरे से बनवा के चाय, अब तुम सर्व कर देना ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, वो क्यों खड़े होंगे तो बैठ के ही पी लेंगे चाय। चाय तो दे दो इधर, कहाँ लेके जा रही है? लो खा लो चाय। बोतल नन्हे से कप में दे दो, ये ले लो छोटी वाली। क्या ये ले तय क्या उठा दे लो चाय। अंदर कौन है? जून जो पत्ती लगाई है। बनाई दोनों ने मिलके बनाई, बनाई नहीं है गिरा दी इन्होंने बल के। एक कैसी चाय बनी? कच्ची है सही नहीं बनी चाय। हाँ चाय की पत्ती, हाँ दूध डाल के एक उबाल दे के चाय नहीं बनती। अच्छा चाय देर तक खोला नहीं पड़ती है, चाय कच्चापन रह जाता है, इसमें दूध की आ रही है। चलो शाम को अच्छी सी बना देंगे। हाँ दूध भी नहीं आनी चाहिए, दो तीन उबाल उसके अंदर होने चाहिए। शाम को अच्छी बना के दे देंगे खालू को। नहीं आप ने बनाई है चाय, मैंने नहीं बनाई, तो पता मुझे चाय बनाने नहीं आती। मैंने बस बोला था कि मिलने सच्चाई देखो आपने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, मैं बस खड़ी हुई थी, मैंने कहा बन जाए तो फिर बनाई है। दोनों ने डाली, मैंने उठा के दी चीनी भी, चीनी पहले से डाल दी फिर कम पड़ी थी हमने डाल दी। दोनों ने आधे आधे काम करे हमने सच में। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कैसे काफी अच्छे हैं। हम सबको स्वागत है, सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सायमा की दुनिया। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, खाना शाना खा के नाश्ता भी कर लिया है और चाय भी पी ली है। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं रिलेटिव के जा रहे हैं। वैसे हमारे विलेज में ना गांव में जो हमारे गांव में मम्मी का, तो इसमें काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं। अभी हम सबके घर जा भी नहीं रहे, बस कुछ कुछ जगह जा रहे हैं। तो अभी कल हम गए थे कहीं और गए थे, फिर वो हमें कहीं घुमाने लेके गए थे, अब हम कहीं किसी और के जा रहे हैं। पहले पिछले साल भी गए थे, इस साल भी हम जा रहे हैं, तो वहीं पर ही जा रहे हैं। सब हो चुके हैं रेडी वगैरह हो गए हैं। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। गर्मी बहुत लग रही है, वैसे हम जाते हैं जब भी निकलते हैं तो धूप हो रही होती है, और जब जाते हैं ना मौसम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, तो बारिश वगैरह आती है, तो बस दुआ लप्पा वाले से दिल्ली से मौसम अच्छा हो जाए और निकलते हैं हम घूमने के लिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी Oh, oh, oh.
चलो चलो निकल गया घूमने के लिए, खाने खाने आगे नाश्ता करके। तुम्हें तो खुलता ही नहीं गेट। तो ये वाला घर है सामने काफी। अस्सलाम वालेकुम। पहचान लिया जी? क्यों नहीं पहचान? पिछली बार सारा ये भी ये थी ना? हाँ थी। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स नाश्ता हमारा आ गया है, आपके सब बैठ गए। जब हमारे पे लाइट नहीं आती तो अब लाइट आ गई है, तो अब नाश्ता है। तुम बोल रहे हो दो ये छोटी बड़ी खाला के घर आई। ये इनका पुराना वाला घर है ये, और ये इनका न्यू वाला घर है। तो मैं इनके पुराने को अंदर चलकर, तो ये ऐसा घर है मतलब जैसे होता है नहीं, ये प्योर गांव जो होता है ठेठ गांव उस टाइप का बना हुआ है ये। सामने वाला तो जो अभी हम बैठे थे वो तो अभी बना है, लेकिन ये पूरा कच्चा घर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा देखो, ये अंदर पूरा, ये पहले रूम था यहाँ पर, लेकिन अभी इन्होंने स्टोर रूम बना दिया। यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और ये आ गया बर्मा। बर्मा ही बोलते ना फिर इसको, नल बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं वैसे तो। और ये इनका लैट्रिन बाथरूम आ गया। पानी तो आने वाला है, आएगा सही से चला, जिसे चल भी नहीं रहा इससे, दिल्ली वालों से भरे में नहीं चल रहा। और ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, और ये झूला लगा रखा है इन्होंने। और ये देखो, ये देखो कैसे वाइब्स आ रही है आफरीन, मज़ा आ रहा है। ये है, और आगे चलते हैं, और ये आगे एक रूम आ गया यहाँ पर, या चरपाई अदल लिए तीन। ये पहले शायद इनका था रूम। हाँ सामने वाला रूम था ये पहले, यहाँ बैठक वगैरह थी इनकी। बट्टी के घर है ना, ठंडक रहती है अंदर वाले रूम में ना, लेकिन बड़ा सॉफ्ट था, सो रहा है, डर लग रहा है जाने में हमें अंदर। और जो न्यू वाला घर अभी बना है वो इनके जस्ट सामने ही है वाला। जब हम पिछले साल आए थे ना, तो ये वाला घर बना हुआ नहीं था। आ गए मामा पापा, आ गए घूम के। तनी कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मन नहीं आ रही, लग जाएगी। हाँ हम व्लॉग बना रहे, वीडियो बना रहे थे। हाँ तुम भी आओगी वीडियो में? कहाँ गए थे? पहाड़ों पे। आ जाओ, ये है इनका न्यू वाला घर जो अभी बना है। वो देखो बैठे बैठे सो रहा है वो, ये रहा। आ गए पापा मामा। कहाँ गए थे? पहाड़ों पर, बच्चे तुम घूम रहे थे। हमें छोड़ के चले गए, जंगल इलाके पर, यही पर ही थे। ठीक है, देखो देख क्या, हमें भी लेके चलते।
बताया कहाँ था हमें? ये पीछे का मामा बोल रहे हैं पंखा, ये पंखा नहीं है ये। बाहर निकल गया उड़ उड़ के पंखड़िया बाबा ने चल भी नहीं रहा पंखा नहीं, वो जो काटने की होती है दराती वगैरह उसमें वो ही लग रहा है देखने में तो। पंखा है या? जो चलाएगा उसके तो हाथ दुख जाएंगे बेचारे के। कुछ बोलो बोलो, वीडियो बनाओ तुम्हारी बन रही है, बोलो ठीक ठाक हो जागे तुम। अच्छे बोल रहे हमारी भी वीडियो बना दो, बोलो हमारी भी वीडियो बना दो। तुम्हारे दोस्त ही है, क्या नाम है आपका? हमारा मेरा अंशु, इसका नाम समर। समर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? ओहो बेस्ट फ्रेंड, देखो इंशा का बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलो? हैं क्या क्या तुम बताना? बोलना नहीं आता आपको? शर्म आती है? ठीक है शर्मा लो, अब मैं जा रही हूँ। अपनी और मैं आए हैं बाहर, मोमोज वगैरह कुछ देखते हैं खाने के लिए, कुछ खाने को मिला, थोड़ी क्रेविंग सी हो रही है मेरे खाने में, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो अभी हम चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अरे वैसे हमें कुछ पता तो नहीं रास्ते वगैरह का, इसे निकल पड़े हैं। तो यहाँ से ले लिए हमने मोमोज, अभी हम 10 के अंकल ने 10 के 5 लिए मोमोज, वेज है नॉन वेज यहाँ पर है ना, नॉन वेज है ना पनीर वाले हैं। कैसे हैं? तो मोमोज का हमने खा लिया, अब हमने लिए वैसे चाउमीन। A few moments later. यहाँ पर चली गई है लाइट, पूरा अंधेरा हो गया, यहाँ पर चल रही सबकी बातें अंधेरे में। पापा क्या चला रहे हो फोन में? क्या चला रहे हो? मच्छर काट रहे हैं पापा, काट रहे मच्छर। ये अम्मी की देखो गपशप चल रही है खाला से, पूरे गांव की लाइट गई हुई बाहर तक, और मैं यहाँ पर लेटी हूँ चरपाई पर। ये बैटरी लगी हुई है, अगर लाइट चली जाती तो इससे पंखा चल जाता है पूरी रात, मतलब जितनी चार्जिंग होगी उतना चल जाएगा। अरे इनको मच्छरों ने दो फंके डाल दिए पापा को, यहाँ पर नींद आ गई, पापा को इतने मच्छर काट रहे हैं ना फिर भी सो ही रहे हैं। क्या हो गया? मच्छर काट रहे हैं। और यहाँ पे कर रही है अम्मी खाला से बातें, खाला कुछ बोलना चाहोगी? तुम कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोलना चाहोगी? बोलो बोलो, हमें समझाओ। खालों को थोड़ा कम सुनाई देता है, ये बनाती ब्लॉग वीडियो बनाती ना, उसमें डालती है तो उसमें थोड़ा भाई, खालों की बनाई थी ना वैसे। हाँ खालों को शर्म आ रही है। तो ये भाभी के दो बच्चे हैं और एक दूसरा वाला वहाँ पे सो रहा है, तो भाभी व्लॉग में आती नहीं है तो इसलिए मैं उनको ले ज़्यादा कैप्चर नहीं करी व्लॉग में, तो मैंने लिया ही नहीं उनको व्लॉग में। एक लड़का एक का है, दो बच्चे एक लड़का एक लड़की है और एक के ही लड़का है। ये वसीम का, ये वसीम भाई के हैं और ये छोटे वाले भाई के हैं दो। तो मैं कुछ बोलना चाहोगी तुम?
कैसा लगा अपनी बहन से मिलकर? अच्छा लगा। खाला आपको कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा। फ्रेंड्स खाना आ गया है, खाने में बनी आज बिरयानी सैलेड और चटनी, ग्रीन चटनी। तो सब बैठ चुके हैं दस्तरखान पर, तो स्टार्ट करते हैं अपना खाना। सॉरी हमारी जाने की तैयार, रात के बज चुके हैं 10। तो खाना शाना भी हो गया हमारा, बातें बातें भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब निकलते हैं घर के लिए। चल रहे हैं मामा की अम्मी के, अपनी बहन के साथ फोटो सेल्फी चल रही है, एक यादगार। कोई भी दिक्कत परेशानी हो फोन करो, बच्चों के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, अब तो तुम ही हो बड़ी, तो हमारे घर के तुम ही हो बड़ी भैया। मैं भी तेरी फोन करवा के भूत तब भी आ जाऊंगा हाथ काट। ठीक है, हां ठीक है। अच्छा कॉल पे बात करा दियो वसीम, ठीक है, इनका ख्याल रखियो। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड खाला के घर से हम निकल गए हैं और टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30 बजने वाले हैं। और हम जब भी निकलते हैं ना, बस नाश्ता वगैरह करके खाना करके बाहर निकल जाते हैं और आराम से फिर रात में पहुंचते हैं हम। 3 दिन से हमारा यही सीन हो रहा है कि हाँ जब हम जाते हैं ना वहाँ पे सब सो रहे होते हैं और हम निकलते हैं, जब जाग रहे थे सबको पता होता है हाँ निकल गए, जब जाते हैं ना हम रात में तब सो रहे होते हैं, सबको पता नहीं था कब हम आ गए कब नहीं। तो 3-4 दिन से यही होता है, हम घूम फिर के आराम से फिर जाते हैं, वहाँ पे सब सो रहे होते हैं और पूरे रोड पे भिजोगे तो सॉफ्ट हो रहा है, यहाँ जल्दी सो जाते हैं सब। सो जाते नहीं, घर ही नहीं है यहाँ पे, घर है ना ये देख, दूर दूर है। तो आ गए हैं हम घर पे, घर ही तो है, और कौन सा रोड है, रेड कार रेड दरवाजा, और यहाँ पर तो सब सो गए हैं, सो रहे हैं सब। वहां से आ गए, फ्रेश वगैरह हो गए, हम चेंज कर लिया है, तो यहाँ पर आपने मुंह अपना धो रही है, ये तो अभी फ्रेश होकर आई है। मैंने तो अपना फेस वगैरह क्लियर करा है, मेकअप वगैरह जो हल्का फुल्का करता है वो भी निकाल दी, लेंस भी निकाल दिए, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और वहाँ पे सब बारिश वगैरह चल रही है, सबकी चेंज करके सब बैठे हुए हैं सामने। वहाँ पे सब चेंज वगैरह करके आराम से चारपाई पे पधार गए हैं, और यहाँ पर अम्मी भी ने भी चेंज कर लिया है, और यहाँ पे हुमा लगा रही है। जब हम आए तो हुमा सो रही थी, हमारी रात बेचारी उठ गई, नींद खराब हो गई, बच्चे भी सो गए दोनों, नींद नहीं आ रही है तुम्हें। हट परे को बोलती है ये। फ्रेंड्स आ गए हैं अब हम किचन में, चाय की बहुत तेज तलब लगी है, क्योंकि खाने के बाद चाय तो हमें चाहिए होती है कंपलसरी। तो हम वहाँ पे खाना शाना करके हम निकल गए, तो चाय हमारी रह गई थी, तो अब हम बना रहे हैं आखिर में चाय। तो चलिए देखते हैं, पहले तो बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेते हैं दोबारा। क्या पानी सामने भी दे नियम, तो पहले निकालते हैं फ्रिज से ठंडा पानी। ऑफिस देखो क्या मछली, मछली कैसी लग रही है, उठाइयो तो उठा उठा, मेरी जिंदा थोड़ी है, उठा डर रही। वो आबिद भाई पकड़ के लाएंगे ना नहर से मछलियाँ, वो जम रही है पूरी, ये देखो ना कैसी हो रही है, पूरी जम रही है, तो फ्रिज में रख देते हैं मछलियों को आराम से ठंडक में और निकाल। तो फ्रेंड्स खाला के घर से आकर चेंज वगैरह करके या फिर बनाने चले गए थे चाय सबके लिए, चाय पी के और थोड़ी बात वगैरह करके सब चले गए थे सोने के लिए। तो इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग का यही पर्यटन, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा ब्लॉग, पसंद है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जल्दी देख लिए, अल्लाह हाफिज़।